एक बार जय कृष्णमूर्ति रानीखेत में होते हैं उत्तराखंड में, जहां पर उनका बड़ा मन करता है टाइगर को देखने का, चीते को देखने का। तो वहां के जो लोग होते हैं वो कहते हैं, हम आपके लिए ये चीज अरेंज कर देंगे, हम एक बकरी को मारकर पेड़ के पास टांग देंगे जिससे टाइगर उसको देखता हुआ आ जाएगा और आप इस व्यू को एंजॉय करना। तो जय कृष्णमूर्ति मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी की जान कैसे ले सकता हूँ, मैं इतना भी क्रूएल नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं ऐसे ही जंगलों में सैर करने के लिए जाऊंगा और नेचुरली मेरे को टाइगर दिख जाएगा तो मैं उसको देख लूं। तो जय कृष्णमूर्ति जाते हैं जंगलों में, वहां पर पक्षियों की आवाज आती है, शोर मच रहा होता है, लेकिन एकदम से वो देखते हैं कि साइलेंस छा जाती है, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तो जय कृष्णमूर्ति को आभास होता है, लगता है डेंजर कहीं आसपास है, इसीलिए शांति सी छा गई है। जय कृष्णमूर्ति एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और उनको लगता है कि टाइगर कहीं आसपास ही है। इतने में उनका जो माइंड होता है, जय कृष्णमूर्ति का जो माइंड होता है, वो कहता है कि जल्दी से पेड़ से हटकर टाइगर को देख लूं, लेकिन उनकी बॉडी जो होती है वो रिफ्यूज कर देती है, बॉडी जो होती है वो मना करती है। देखना, उनका माइंड कह रहा है कि मैं जल्दी से देख लूं टाइगर को, आसपास है टाइगर, फिर बाद में मेरे को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी बॉडी मना कर देती है, उनकी बॉडी जो कहती है कि खतरा है अभी। तो थोड़ी देर बाद पक्षी फिर से चहचहाने लगते हैं और शोर फिर से जंगल में मचने लगता है, इसका मतलब अब टाइगर चला गया, यानी खतरा अब चला गया है। जय कृष्णमूर्ति फिर थोड़ी सी आगे जाते हैं, अब फिर से जंगल में शांति छा जाती है और एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं। जय कृष्णमूर्ति को फिर से लगने लगता है कि खतरा कहीं आसपास ही है, लगता है टाइगर कहीं आसपास ही है। जय कृष्णमूर्ति एक पेड़ की शरण ले लेते हैं और वो पेड़ के ऊपर एकदम से देखते हैं, तो वो देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कुछ लंगूर बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत, और वो जय कृष्णमूर्ति को देख रहे होते हैं। वो जय कृष्णमूर्ति को देख रहे होते हैं लंगूर बड़े ध्यान से, और जय कृष्णमूर्ति बड़े ध्यान से उन लंगूरों को देख रहे होते हैं। बहरहाल इस बीच में जय कृष्णमूर्ति को टाइगर नहीं दिखता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहानी का कोई कंक्लूजन नहीं निकला? कहानी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला? कहानी का मोरल क्या है? कहानी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं निकला यार, कहानी में कोई मसाला, कुछ चटपटापन नहीं निकला, कहानी का कुछ पता नहीं लगा कि कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। हम अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में मसाला चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, लाइफ में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जिससे हमें साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिलती रहे। तो यहाँ पर इस कहानी का मोरल ये है कि कभी कभी हमें चीजों को बिल्कुल फ्लो होकर देखना चाहिए, बिना कुछ उनसे एक्सपेक्ट किए हुए, बिना कुछ मसाला एक्सपेक्ट किए हुए, बिना कोई एंडिंग एक्सपेक्ट किए हुए, बस लाइफ को एक सिंगल मूवमेंट की तरह देखते रहो। जरूरी नहीं है कि अपने अंदर एक ऑब्जर्वर लेके आओ, अपने अंदर एक एक्सपीरियंस लेकर आओ, अपने अंदर एक एनालाइजर लेकर आओ कि हाँ भाई हमें कुछ मिल गया, हमने कुछ देख लिया। नहीं, बस लाइफ को एक सिंगल मूवमेंट की तरह ऑब्जर्व करते हुए चले जाओ। ये है इस कहानी का निष्कर्ष। और लास्ट में मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो इंटरेस्टेड है कि मैंने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं, आप चाहे तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे। और हाल ही में मैंने एक मेडिटेशन को लेकर एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, जो कोर्स कंप्लीट है, इस कोर्स को आप अभी मांगो मैं अभी आपको अभी दे दूंगा, तो आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।